हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हेल्दी टिप्स। दोस्तों, रोजाना सुबह चना, बादाम और किशमिश खाने से शरीर स्वस्थ रहता है और कई खतरनाक बीमारियों का खतरा भी काफ़ी कम हो जाता है। चने में फाइबर, प्रोटीन, कार्ब्स और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व तो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि किशमिश में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, पोटेशियम, कॉपर और विटामिन समेत कई पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। इसके अलावा बादाम तो पोषक तत्वों का पावर हाउस है। बादाम में विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होती है। इनका एक साथ सेवन करने से बॉडी हेल्दी रहती है और बीमारियों का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। इस वीडियो में आपको चना, बादाम और किशमिश का एक साथ सेवन करने के फ़ायदे और इनके सेवन के सही मात्रा और तरीके के बारे में बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं चना, किशमिश और बादाम खाने के कुछ बेहतरीन फ़ायदों के बारे में। नंबर 1 है, एनीमिया में फ़ायदेमंद। रोजाना सुबह के समय भीगे हुए चने के साथ बादाम और किशमिश का सेवन करने से एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी में बहुत फ़ायदा मिलता है। चना, बादाम और किशमिश तीनों में आयरन की पर्याप्त मात्रा होती है, जिससे शरीर में खून की कमी दूर होती है। नंबर 2, हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार। चना, बादाम और किशमिश तीनों में ही फाइबर की पर्याप्त मात्रा होती है। फाइबर युक्त फूड का सेवन करने से शरीर में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नंबर 3 है, हार्ट के लिए फ़ायदेमंद। दिल से जुड़ी बीमारियां खान पान में गड़बड़ी और ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। नियमित रूप से चना, बादाम और किशमिश खाने से हार्ट को बहुत फ़ायदा मिलता है। इनका सेवन करने से ब्लड प्रेशर ठीक रहता है और नसों को भी फ़ायदा मिलता है। नंबर 4, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में मददगार। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कमज़ोर होने से कई गंभीर बीमारियाँ होती हैं। शरीर को इन्फेक्शन और बीमारियों से बचाने के लिए नियमित रूप से चना, बादाम और किशमिश का एक साथ सेवन करना चाहिए। इन चीज़ों का रोजाना सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नंबर 5, कब्ज में फ़ायदेमंद। चना, किशमिश और बादाम तीनों ही फाइबर से भरपूर होते हैं। रोजाना भिगोए हुए चने के साथ किशमिश और बादाम का सेवन करने से कब्ज से छुटकारा मिलता है। इसका सेवन करने से पाचन तंत्र भी मजबूत बनता है। अब बात करते हैं चना, किशमिश और बादाम खाने की सही मात्रा और तरीके के बारे में। इसके लिए रात में मुट्ठी भर चने के साथ 5 से 6 बादाम और 8 से 10 किशमिश को भिगो दें। सुबह इनका सेवन करें, इससे शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। डायबिटीज की समस्या वाले लोग इनका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से अवश्य सलाह लें। इसी के साथ वीडियो को क्लोज करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।